आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सेबी द्वारा हाल ही में वायदा में 7 कमोडिटीज पर बैन लगाने के बाद वायदा बाजारों में मानो मंदी का माहौल सा छा गया था। सारी कमोडिटीज हरे से लाल निशान पर गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दी थी। ये सिलसिला लगातार 3 दिनों तक जारी रहा था। जिन कमोडिटीज पर सेबी ने बैन लगाया था उनमें रिफाइंड सोया तेल भी शामिल था, जिसका असर सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के तौर पर देखने को मिला था। वहीं आज यानी गुरुवार को सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सोयाबीन का जनवरी वायदा 6000 के पार निकला है और 6120 का हाई भी लगा चुका है। खबर है कि हाजिर मंडियों में सोयाबीन की आवकों में एक बार फिर से कमी देखने को मिली है और दूसरा विदेशों में तेल तिलहन में तेजी देखने को मिली है, जिसका असर घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर भी देखने को मिला है। गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा तेल का आयात विदेशों से करता है, जिससे वहां पर होने वाली गतिविधियों का असर भारत में भी देखने को मिलता है। और यही वजह है कि खाद्य तेलों पर ड्यूटी में कटौती और सोयाबीन तेल पर बैन लगने के बावजूद भी सोयाबीन की कीमतों में बढ़त बनी है। गुरुवार को NCDEX पर सोयाबीन का जनवरी वायदा 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करते देखा जा चुका है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।